हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड लेक्चर में आज सीखेंगे फजांस रूल के बारे में। फजांस रूल बताता क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस रूल को हम लोग पढ़ते हैं उस रूल को क्या कहते हैं? फजांस रूल। दोनों बॉन्ड अलग अलग होते हैं। अगर हम ओल्ड डेफिनेशन की तरफ जाएँ, आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन मैंने बताया था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अंदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है और कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आया कैसे, दिखा कैसे शेयरिंग, उसी बात को हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी को जानने से पहले हम लोग तो कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं, कुछ टर्म जानते हैं, उस टर्म को सीखते हैं। जैसे सबसे पहला जो हम टर्म सीखने जा रहे हैं उसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ पोलराइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसमें ही शेयरिंग आपको दिख जाएगी कैसे दिखेगी। सपोज करो आपका ये कैट आयन है, या कई कैट आयन है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आयन है ना, और आपका एक नेगेटिव चार्ज आयन मैंने यहाँ रख दिया, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज आयन है ना, ये आपका एक कैटायन है और ये आपका क्या है, आपका एक एनायन। मैंने जानबूझ के बनाया है कैटायन को छोटा, एनायन को बड़ा, क्योंकि कैटायन का अगर साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो कैटायन एनायन को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। तो ये जो एनायन है ये कैटायन की तरफ क्या हो रहा है, आपका जा रहा है धीरे 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 धीरे, क्या हो रहा है आपका, जा रहा है, ऐसे ऐसे जाता जा रहा है, है ना। अगर कैटायन के पास अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी तो आपका एनायन बहुत तेज़ी से कैटायन के पास जाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और आप अगर देख पा रहे हो बढ़िया से डॉटेड लाइन को, तो देख रहे हो कि जब कैटायन एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है तो एनायन का शेप धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका बिगड़ रहा है, डिस्ट्रेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर इसका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है तो एनायन का कुछ पार्ट यहाँ आपस में इस लाइन में आपको कैसा दिख रहा है, शेयरिंग होता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ना केवल इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की आपस में यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी कुछ यहाँ पे आपका शेयरिंग जैसा भी आपका दिख रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे अट्रैक्शन ऑफ एन आयन और टूवर्ड द कैट आयन, या कह सकते हैं अट्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा, द अट्रैक्शन और डिस्टोरेशन ऑफ एन आयन टूवर्ड कैट आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। किसी भी एन आयन का कैट आयन की तरफ अट्रैक्ट होना या कैट आयन के अट्रैक्ट होने से एन आयन के स्टेट साइज में चेंज आ जाना, डिस्टोरेशन आ जाना, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अब ये जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ध्यान से समझिएगा, यही आपका मेन मुद्दा समझ में आ जाएगा। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनिक कैरेक्टर के। क्योंकि जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना कम होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम होगा आयनिक कैरेक्टर। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को, कोवेलेंट कैरेक्टर को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा, अब ये पोलराइजेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि दो बातें हो रही हैं, एक तो कैट आयन एन आयन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और एक एन आयन कैट आयन की तरफ जा रहा है। अगर दोनों बातें होंगी तभी पोलराइजेशन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैट आयन एन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे और एन आयन कैट आयन की तरफ अट्रैक्ट ना हो। मतलब मुद्दा ये है कि आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, एनायन का जाना जरूरी है और कैटायन का अट्रैक्ट करना जरूरी है, दोनों बातें इक्वली आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कैटायन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एनायन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, उसी टर्म को अगर हम समझ गए तो समझ लो फजान रूल हमको समझ में आ गया। तो कैटायन के पास क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए,
या इस अट्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? कैट आयन के पास जो अट्रैक्शन है बेटा, फॉर कैट आयन हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। कैट आयन के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर, पीपी, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या है? पोलराइजिंग पावर है अट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ कैट आयन टूवर्ड एन आयन, मतलब कैट आयन का एन आयन की तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन पावर। ठीक है, पोलराइजेशन पावर का मतलब होता है द अट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ कैट आयन, कैट आयन की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। फिर से मैं बताता हूं, जितना ज्यादा पोलर कैट आयन के लिए अगर हमको केवल कैट आयन से कंपेयर करना है तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा आपका पोलराइजेशन, उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट करेक्टर आपका होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर। अब एक कैटायन के अंदर पोलराइजिंग पावर कब कब ज्यादा होगा इसी बात को हमको सीखना है। तो जो कैटायन है उसके पास अट्रैक्शन तब हो सकता है, ये पोलराइजिंग पावर है ना, पोलराइजिंग पावर तब बेटर होगा, अट्रैक्शन तब बेटर होगा जब कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर साइज। कैट आयन का साइज क्या होगा बेटा? छोटू सा होगा, बहुत छोटा सा कैट आयन का साइज होगा। और क्या खास बात कैट आयन के अंदर हो सकती है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए आपका? ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा आपका होगा पोलराइजिंग पावर, जितना छोटा एटम का साइज उतना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर, और जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतना होगा पोलराइजेशन, उतना होगा अट्रैक्शन, और उतना ज्यादा बेटर होगा आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्मॉलर साइज एंड हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर दोनों में से किसी एक बात को आपको पकड़ना हो, मतलब साइज जहां नहीं देख रहे हैं हम, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो चार्ज को अगर देखेंगे तो यहाँ साइज और चार्ज में चार्ज आपका डोमिनेंट होता है बेटा, चार्ज आपका डोमिनेंट होता है, मतलब चार्ज से ही मेन आंसर आने वाला है। अगर सबका चार्ज सेम है तब हम साइज देखेंगे, लेकिन अगर कई सारे पॉजिटिव आइटम, जो पॉजिटिव आयन जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो कैट आयन की विशेषता मैंने आपको यहाँ बताई, होपफुली आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले। अब देखिए बेटा, एन आयन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? कैट आयन के लिए पोलराइजिंग पावर, और एन आयन के लिए होता है पोलराइजेबिलिटी। एन आयन के लिए जो टर्म यूज करते हैं उस टर्म का नाम है पोलराइजिबिलिटी, इसमें एबिलिटी लग गया। पोलराइजिबिलिटी क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी मतलब होता है डिस्टोरेशन ऑफ एन आयन टूवर्ड द कैट आयन, एन आयन का डिस्टोरेशन होना, एन आयन का अट्रैक्ट होना कैट आयन की तरफ, इसी को हम लोग पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। तो जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगा उतना बढ़िया आपका पोलराइजेशन होगा, और जितना बढ़िया पोलराइजेशन होगा उतना बेहतरीन आपका कोवेलेंट करेक्टर आपका आना है। एकदम क्लियर कट बात आपको समझ में आनी चाहिए। पोलराइजिबिलिटी मतलब होता है डिस्टोरेशन ऑफ एन आयन टूवर्ड कैट आयन, या हम अट्रैक्शन ऑफ एन आयन टूवर्ड द कैट आयन ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, उसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। बेटर पोलराइजिबिलिटी कब होगी ये भी आपका मात्र और मात्र दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि बेटर पोलराइजिबिलिटी के लिए आपका साइज ऑफ एन आयन, यहाँ आपका लार्जर साइज होना चाहिए, लार्जर साइज ऑफ एन आयन होना चाहिए। जितना बड़ा सा एन आयन का साइज होगा उतना ज्यादा आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा,
रिपल्सन होगा, और जितना बढ़िया आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं वो दूसरी की तरफ क्या करेंगे, उतने अच्छे से अट्रैक्ट होंगे, उतना बढ़िया से डिस्टोरेशन होगा, उतना शेप में चेंज आएगा, उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, और जितना बढ़िया पोलराइजेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना बढ़िया कोवेलेंट करेक्टर होगा। होपफुली आपको समझ में आया। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ एन आई, और दूसरा बात भाई चार्ज एन चार्ज यहाँ भी ज़्यादा होना चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, चार्ज की वैल्यू यहाँ भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और मैंने लास्ट भी बताया था कि अगर हम साइज और चार्ज में कंपेयर करेंगे तो चार्ज को हम डोमिनेंट करेक्टर मान के काम करते हैं। अब मैं यहाँ एकदम बढ़िया सा बेहतरीन सा ट्रिक लिख के देता हूँ, डब्बे के अंदर, आप डब्बे के अंदर बेटर पोलराइजेबिलिटी, मतलब अगर पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन सबसे बेटर पोलराइजेशन के लिए हमारा कैट आयन में क्या बात होनी चाहिए, एन आयन में क्या बात होनी चाहिए, दो बातें मैंने बताई, एक साइज बताया है, दूसरा बताया है आपका चार्ज। कैट आयन का साइज होना चाहिए छोटू सा, स्मॉल साइज होना चाहिए। एन आयन का साइज होना चाहिए लार्ज, बड़ा सा, ठीक है, बट दोनों में चार्ज की वैल्यू हाई होगा, हाई सर, कैट आयन भी हाई और एन आयन भी क्या होगा, हाई होगा। अगर ये सारे कंडीशन होती हैं तो बेटर पोलराइजेशन होता है, और बेटर पोलराइजेशन होगा तो आपका बेटर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। चलो दो चार हम लोग क्वेश्चन करे लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं किससे, पोलराइजेशन पावर को कैलकुलेट करते हैं, कुछ कंपाउंड में आपके सामने लिखता हूं। पोलराइजेशन पावर जैसे हमने लिख दिया लिथियम क्लोराइड, है ना, भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं फाइंड कर रहे हैं, लिथियम क्लोराइड, लिथियम के पास सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम क्लोराइड, इसमें आपको फाइंड करना है पोलराइजिंग पावर, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, या किसका कम किसका ज्यादा बताना है, वेरी सिंपल। सब में जो एन आयन है वो आपका कॉमन है, अगर आप देख सकते हो सब में आपका क्लोराइड का है आपका कॉमन है, तो सब में क्लोराइड के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी, साइज भी सबकी सेम होगी। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है, साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कैट आयन, ये सबके सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, टूटेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, कैट आयन है। तो मैंने बताया जितना छोटा कैट आयन का साइज होगा उतना बढ़िया आपका पोलराइजिंग पावर होगा। तो अगर इन सब में हम बात करेंगे पोलराइजिंग पावर के बारे में, तो सबसे बढ़िया पोलराइजिंग पावर किसमें होगा, लिथियम क्लोराइड में, और सबसे घटिया किसमें होगा आपका, सीजियम क्लोराइड में। तो आप ऐसे देख सकते हो सर, आप बढ़िया से बता सकते हो कि सबसे बढ़िया पोलराइजिंग पावर किसमें है, LiCl में, और सबसे खराब पोलराइजिंग पावर किसमें है, सीजियम क्लोराइड में। होपफुली आपको ये बात समझ में आई। तो साइज का मैंने यहाँ ये क्वेश्चन रखा। दूसरा क्वेश्चन हम चार्ज का रख देते हैं, चार्ज का रखते हैं, हमारे पास है NaCl, हमारे पास है MgCl2 और हमारे पास है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिंपल, यहाँ आपका क्लोरीन से कुछ भी नहीं आना है, क्लोरीन से मेरा कुछ भी वास्ता नहीं, क्लोरीन से मेरा लेना देना नहीं है, यहाँ पूरा लेना देना है कि सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे +2 आएगा, एल्यूमिनियम पे +3 होगा, मतलब यहाँ मेरा आंसर क्लोरीन पे नहीं है क्योंकि सारे आइटम एक जैसे हैं, ठीक है, वहाँ क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज से भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है कैटायन के पॉजिटिव चार्ज से। और जहाँ आपका चार्ज और साइज दोनों की बात आती है वहाँ हम हमेशा चार्ज को डोमिनेंट करेक्टर में रखते हैं, चार्ज को ही देखते हैं। तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू तो वैसे ही आई है, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज उसका उतना ज़्यादा पोलराइजिंग क्या होगा, पावर होगा। तो अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे तो ये आपका पोलराइजिंग पावर का कैरेक्टर आ जाएगा, AlCl3 का जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होगा, और सोडियम क्लोराइड का जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे क्या होगा आपका, कम होगा,
होपफुली आपको पोलराइजिंग पावर की कहानी समझ में आई। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग पोलराइजिबिलिटी पे करते हैं, फिर फजान उल का एप्लीकेशन और ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। गारंटीड करिए आपका जो 20-25-30 मिनट का जो भी मेरा लेक्चर जाएगा, इसके बाद आपको जिंदगी में फजान उल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे एक्सेप्शनल बात भी मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए होता है, पोलराइजिबिलिटी एन आयन के लिए होता है। अब हम वही पोलराइजिबिलिटी किसका कम किसका ज्यादा हम लोग जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, जैसे NaF है सोडियम क्लोराइड, NaCl है, NaBr है और आपका NaI, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आपसे मैंने कहा था कि जिसका जितना बड़ा साइज होगा, जिसका एनायन का, एनायन के लिए साइज का बड़ा होना मैटर है, जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी। अगर हम पोलराइजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम से कभी नहीं निकल के आना, क्योंकि यहाँ सब सोडियम के आइटम या सोडियम के आयन के हैं आपके, सेम है साइज, सेम चार्ज सेम। कहानी आपका एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, तो चार्ज से भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है। आंसर आपको कहाँ से मिलना है, आपको आंसर मिलना है साइज से। आपको पता है कि फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, और फॉर एन आयन आपका एन आयन का साइज बड़ा सा होना चाहिए। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। तो अगर हम पोलराइजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये आपका पोलराइजिबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे बेटर पोलराइजिबिलिटी किसका होगा, सोडियम आयोडाइड का, और सबसे घटिया पोलराइजिबिलिटी किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का। अब इसके बाद हम चार्ज का भी देख लेते हैं। चार्ज का देखते हैं, हमारे पास है नाइट्रोजन पे +3, ऑक्सीजन पे +2 और फ्लोरीन पे -1। जब भी आप चार्ज और साइज की बात करें तो मैंने बताया चार्ज आपका डोमिनेंट, आपको कुछ करना नहीं है, चाहे कैट आयन हो चाहे एन आयन हो, वहां चार्ज आपका ज्यादा होना चाहिए। तो एन आयन की पोलराइजिबिलिटी के लिए पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आपका, चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, नाइट्रोजन में, सबसे कम किसमें है आपका फ्लोराइड में, तो सबसे बेटर पोलराइजिबिलिटी किसमें होगा, एन माइनस 3 में। तो होपफुली आपको ये बात आपको समझ में आई कि कैसे हम पोलराइजिंग पावर फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग पोलराइजिबिलिटी फाइंड करते हैं। उसके बाद आपका मुद्दा आता है कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके बाद सॉलिबिलिटी, उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी। तो कई सारी बातें यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ टाइप नंबर वन आपका क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पता लगाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके बारे में पता लगाएंगे बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था, कोवेलेंट कैरेक्टर पहले पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपी। पीपी बोले तो पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर किसके लिए होता है, ये पीपी आपका होता है कैट आयन के लिए, और कैट आयन का पोलराइजिंग पावर तब होगा जब इसका साइज होगा स्मॉल और चार्ज होगा हाई। ये अगर बात होती है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। जैसे आपका, मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, ये आपका है लिथियम क्लोराइड, है ना, लिथियम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम क्लोराइड, और आपका है आपका यहाँ सीडियम क्लोराइड। इतने सारे आपके मॉलिक्यूल है, इन सारे मॉलिक्यूल में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर आपको फाइंड करना है। तो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर का, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना बेटर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब आप देखिए, सब में आपका पोलराइड की वैल्यू क्या है, आपका पोलराइड आपका कॉमन है, तो एन आयन सब में कॉमन है, तो पोलराइजिबिलिटी के बारे में हम बात नहीं कर सकते। चार्ज की बात करेंगे तो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वन चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू भी सब में आपका सेम है, तो चार्ज की भी बात नहीं करेंगे। तो बात करेंगे साइज की,
जितना छोटा साइज होगा उतना बेटर आपका पोलराइजिंग पावर होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। इसीलिए लिथियम क्लोराइड में सबसे बेटर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उससे बेकार कोवेलेंट कैरेक्टर होगा सोडियम क्लोराइड में, उससे बेकार होगा पोटेशियम क्लोराइड में, उससे बेकार होगा रोबिडियम क्लोराइड में, और सबसे बेकार होगा सीजियम क्लोराइड में। तो आपको ये बात समझ में आई, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर समझ सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा आयनिक कैरेक्टर। सबसे बढ़िया आयनिक कंपाउंड आपका होगा कौन? सीजियम क्लोराइड। तो होपफुली आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिए। पोलराइजिंग पावर इज ग्रेटर, है ना, पोलराइजिंग पावर इज ग्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पोलराइजिंग पावर स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता क्या है? स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बेटा, देख लीजिए, स्यूडो इनर्ट इनर्ट इंटर लिख दिया है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब कैसा दिखेगा स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। पहले यहां आपको कोई इनर्ट गैस दिखे, इनर्ट गैस यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस का होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डी होगा, 3d होगा या 4d होगा, 5d होगा, वहां आपका 10 होना चाहिए, मतलब 3d 10 होना चाहिए। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखता है तो आपका स्यूडो इनर्ट गैस होगा, और स्यूडो इनर्ट गैस का पोलराइजिंग पावर नॉर्मल इनर्ट गैस के पोलराइजिंग पावर से ज्यादा होता है, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होता है। जैसे मैं आपके सामने दिखता हूँ CuCl, ये CuCl है आपका, ये क्यूप्रिक पोलराइड है, ये आपका सोडियम पोलराइड है। अब इन दोनों में पूछ लिया जाए भैया किसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा है, तो आप देख लीजिए यहाँ +1 और यहाँ भी आपका +1 होगा। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप चेक करिए, जब हम कॉपर की बात करेंगे एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1, लेकिन यहाँ जब प्लस चार्ज आ गया तो 3d10 4s0 हो जाएगा। और रही बात सोडियम की, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आपका होता है नियॉन, है ना, 3s1। अब यहाँ आपका सोडियम पे प्लस चार्ज, ये खत्म हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसको कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और इसको कहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका इनर्ट गैस है, और आपका क्यूप्रिक जो क्लोराइड है इसके अंदर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्यूडो इनर्ट है। स्यूडो इनर्ट का पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस से ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जो CuCl का पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर आपका NaCl से कहीं ज्यादा पाया जाता है। तो होपफुली आपको पोलराइजिंग पावर से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप। तो सॉलिबिलिटी के बाद, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर के बाद जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका टाइप टू, जिसको कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, आपका थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका थर्मली अनस्टेबल है, और अगर आपका वो ब्रेक डाउन नहीं होता तो थर्मली आपका क्या है, आपका स्टेबल है। तो थर्मली कौन सा स्टेबल है, थर्मली कौन सा स्टेबल नहीं है, तो ये आप देखिए थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जिसका जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये मेरे पास है लिथियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट, ये आपका सीजियम कार्बोनेट, ये आपका रुबिडियम कार्बोनेट। तो ये दुनिया भर के कार्बोनेट मैंने आपके सामने रखे हैं।
इस कार्बोनेट में कौन सा कार्बोनेट थर्मली आपका ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोनेट थर्मली आपका क्या है आपका कम स्टेबल है, इसी बात को हमको सीखना है। तो ये आपको पता लगाना है किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, जिसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। पहले एक काम करते हैं, कोवेलेंट करेक्टर ही फाइंड कर लेते हैं तो आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर आपका साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ कैटायन। तो यहाँ एनायन तो सब सेम है, कार्बोनेट से कुछ लेना देना मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो सबसे छोटा आपका लिथियम कार्बोनेट है। सबसे छोटा कौन है बेटा? लिथियम कार्बोनेट है। तो लिथियम कार्बोनेट का पोलराइजिंग पावर सबसे क्या है? लिथियम का पोलराइजिंग पावर क्या आपका सबसे ज्यादा है। जिसका पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर उसका उसमें कितना होगा आपका ज्यादा होगा। तो आप समझिए यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सही लिखा है। जिसका जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उसका उतना कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी। तो कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम कार्बोनेट फिर सोडियम कार्बोनेट लाइक दिस। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर जो रखेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी? कम होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी हम अगर जाएंगे तो इंक्रीज करती है और कोवेलेंट करेक्टर आपका क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये फजान रूल से ही पॉसिबल है फाइंड करना। मतलब जो लिथियम कार्बोनेट है अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से ये आपका लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? टूट जाता है और सबके सब आपके थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। केवल लिथियम कार्बन थर्मली क्या होता है? अनस्टेबल। तो जैसा आपका कार्बोनेट में जो ऑर्डर आपका कार्बोनेट में है वही ऑर्डर आपका बाई कार्बोनेट में है, तो बहुत आसानी से आप थर्मल स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो जो तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन, जरूर आप स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा हम लोग मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। टाइप नंबर थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। मतलब जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। सेम क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं। मतलब सेम मैंने ले लिया लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे कार्बोनेट ले लिया। तो कोवेलेंट करेक्टर मैंने कैलकुलेट ही कर दिया, जिसका छोटा साइज उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो इसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका सबसे कम। जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सीजियम कार्बोनेट का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? लिथियम कार्बोनेट का। इसीलिए लिथियम कार्बोनेट आपका रूम टेम्परेचर से क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। टाइप नंबर फोर क्वेश्चन हम लोग यहाँ टाइप नंबर फोर पढ़ के सारा खत्म करते हैं, उसके बाद एक्सेप्शनल बात करेंगे और आपका फजान रूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आप देख लीजिए लास्ट आपका है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा वो आयनिक कंपाउंड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। और एक और आंसर दे सकते हो सिंपल, अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो आपका आयनिक सॉलिड के पास लैटिस एनर्जी और वाटर के पास हाइड्रेस एनर्जी। जब हाइड्रेस एनर्जी का पल्ला भारी तो आपका कंपाउंड फड़ाम से गिरेगा और सॉल्युबल हो जाएगा, और जब हाइड्रेस एनर्जी कम लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो आपका कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा। इसको मैंने डिस्कस किया है आपका सेकेंड लेक्चर के अंदर। तो आप देखिए सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, यही आपका सेम ट्रेंड आने वाला है। जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आप और कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप ले लो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। तो अगर हम सब में कोवेलेंट करेक्टर की बात करें तो सबसे बढ़िया कोवेलेंट करेक्टर किसका है? लिथियम क्लोराइड। मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी का नॉर्मल सा क्या आएगा आपका ट्रेंड आएगा। होपफुली आपको ये टाइप नंबर फोर भी समझ में आ गया
होगा। तो आपको मैंने चार तरह के क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला कुछ एक्सेप्शनल बातें करूंगा, पांच छह क्वेश्चन है जिसमें एक्सेप्शन की बात आती है। उसके बाद आपका फजान रूल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका 100% सॉल्व होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए भाई, आप यहाँ एक्सेप्शन कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया था लैटिस एनर्जी हाइड्रेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, यहाँ भी लैटिस हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आप कुछ पसो सॉल्युबिलिटी को लेके वहाँ फजान रूल को अप्लाई करें। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड हम लोग फाइंड करते हैं, हैलाइड ऑफ सिल्वर को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो हैलाइड ऑफ सिल्वर का क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं जिससे फजान रूल दिखा। अब सिल्वर से तो आंसर आना नहीं है, सब में सिल्वर का साइज क्या है, मतलब सिल्वर पे चार साइज सब कुछ क्या है सेम है। जो आपका अलग है वो आपका फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड। जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो सब पे चार्ज की वैल्यू भी क्या है आपका सेम है। तो अब पोलराइजिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजिबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करता है आपका चार्ज साइज पे। तो साइज की बात करें तो साइज अगर हम जाते हैं तो साइज फ्लोराइड से बड़ा क्लोराइड, क्लोराइड से बड़ा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से बड़ा आयोडाइड, सबसे बड़ा आयोडाइड। जिसका जितना ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी उसका उतना ज़्यादा कोवेलेंट क्या होगा आपका, उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, और जितना ज़्यादा जिसका कोवेलेंट करेक्टर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होने वाली कम। ये बात मैं कितनी बार बता। तो अगर यहाँ हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, यहाँ हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं वाटर में सॉल्युबल होने की, तो AgF आपका सॉल्युबल होगा, AgCl, AgBr और AgI आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। और ये तीन के तीनों आपके वाटर के अंदर PPT मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं। और मैंने आपको कलर भी बताया, तो कलर यहाँ बता ही देता हूँ फिर से। ये जो आपका होता है ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का PPT बनाता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है आपका पेल येलो कलर का आपका बनाता है PPT, और आपका AgI जो होता है आपका वो येलो कलर का आपका PPT बनाता है। तो आपका जो हैलाइड ऑफ सिल्वर में AgF ओनली AgF वाटर के अंदर क्या होता है सॉल्युबल होता है। आप फजान रूल के साथ भी बता सकते हो, और ऐसा भी कह सकते हो कि इसका जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, सॉरी लैटिस इंथैल्पी होती है, वो कम होती है, जिसकी वजह से भी आपका ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और भी कुछ आपके क्वेश्चन है? अब देखिए बेटा, हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका एक्सेप्शनल में, फ्लोराइड एंड ऑक्सीलेट ऑफ एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल का फ्लोराइड आपने मैंने यहाँ लिखा है, और एल्कली अर्थ मेटल का हमने ऑक्सीलेट लिखा है। अब यहाँ आपको सॉल्युबिलिटी आपको देखनी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिसके पास कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। मतलब कोवेलेंट करेक्टर मतलब पोलराइजिंग पावर, जिसका ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा, सब में फ्लोराइड सेम है। आप देख लीजिए, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का फ्लोराइजिंग पावर सबसे क्या है आपका ज़्यादा है, क्योंकि साइज सबसे छोटा है ना। तो साइज जो सबसे छोटा है, पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए। बट आपका यहाँ फजान रूल से क्वेश्चन नहीं आया, एक्सेप्शनल बात हो गई। इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, ये आपका नॉर्मल ट्रेंड होता है ना, ये नॉर्मल ट्रेंड होता है। तो बेरिलियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी आपकी मिनिमम है, कम होती है। उसी तरह से बेरिलियम ऑक्सीलेट का भी यही सेम ट्रेंड होता है, और आंसर आप सेम दोगे यहाँ पे आएगा लैटिस एनर्जी से। इन सबका लैटिस एनर्जी डोमिनेट नहीं करता है, हाइड्रेस एनर्जी डोमिनेंट हो जाता है, सॉल्युबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको आप इसी तरह से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। तो बेटा, जितनी बातें मैंने आपको एक्सेप्शनल बताई या फजान रूल बताई, इसके बियॉन्ड आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जहाँ आप फंस जाएँ वहाँ फजान रूल लगाएँ, सॉल्युबिलिटी फाइंड करें, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करें, कोवेलेंट करेक्टर फाइंड करें, आयनिक करेक्टर फाइंड करें, पोलराइजिंग पावर फाइंड करें, पोलराइजिबिलिटी फाइंड करें, थर्मल स्टेबिलिटी फाइंड करें, इतनी सारी बातें हम फजान रूल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको भी लेक्चर मिलने वाला है। तब तक आप इस लेक्चर को एकदम फैला दीजिए, अपने दोस्तों यारों में बांट दीजिए, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।